तो दोस्तों मैं पार्ट थ्री लेके आ गया हूँ और पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट हो गया है। आप नहीं ये देखे तो प्लीज़ जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कर लेना। और मैं पार्ट थ्री मतलब आज का जो स्केच होने वाला है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं साड़ी का जो एरिया है और जो हैंड का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, मैं आज कवर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए ड्राॅइंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके जो छोटे छोटे एरिया है, मतलब जो छोटे छोटे हाइलाइटेड एरिया है, मतलब जितना जो जगह में मुझको लग रहा है कि लाइटेड एरिया है और थोड़ा बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है, उस जगह में मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ आपको हल्के हाथों से करना है, क्योंकि उसका जो लीड है ना बहुत ही शार्प होता है। इसलिए तो आप चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पीड किया हूँ मैं ड्राइंग को, बहुत टाइम लगा ये वाला पार्ट करने के लिए, मैक्सिमम 2 आवर्स के करीब लग गया है। तो इसलिए आप चाहे तो देख सकते हैं, जो साड़ी का जो फोल्डेड एरिया है आप देख पा रहे हैं, बहुत जगह में फोल्डेड एरिया कर्व हो रहा है। तो उस जगह में अच्छे से रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको देख देख कर करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पहले 2B पेंसिल का यूज़ करके हल्के हाथों से शेडिंग कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे डार्क एरिया में आ रहा हूँ 4B और 6B का यूज़ करके, फिर अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप चाहे तो कॉटन बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टाम्प का यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत फिंगर भी ऐड कर रहा हूँ, फिंगर से भी ब्लेंड कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, और मेरा ये बहुत दिन का एक्सपीरियंस है कि मैं फिंगर से ही ब्लेंड करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो अच्छे से ब्लेंड होता है स्मूथली। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये चीज़ कवर कर लिया हूँ मैं, ऊपर का जो पोर्शन है और थोड़ा नीचे का जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं, ये कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ज़्यादा डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया के लिए मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ी बहुत हाईलाइट के लिए टोमोनो 0 इरेजर मेरे पास अभी नहीं है, तो जो मार्केट में अवेलेबल है इरेजर जो 3 रुपीज़ करके आता है, उसको ही काट कर थोड़े अच्छे से डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा रिज़ल्ट आया है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्ले कर देता हूँ ताकि आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट आए। तो मिलते हैं ड्राइंग के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, और आज पार्ट थ्री में इतना ही दिखाना था, और पार्ट फोर जो आने वाला है बाकी का जो पोर्शन मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर देना, आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना,
और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं पार्ट 4 पर।